हेलो नमस्कार सारे स्वास्थ्य प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मुंबई से डॉक्टर आनंद वाजपेयी, आप मुझे सर्च कर सकते हैं YouTube पे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है हेयर फॉल, या हम जिसको कहते हैं बाल झड़ना। अक्सर मैंने देखा हुआ है कि हम लोग बालों की ट्रीटमेंट, सभी लोग जितने भी हम लोग IMC में काम कर रहे हैं, हम लोग जब बालों की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हेयर ऑयल शैम्पू या ज्यादा से ज्यादा तुलसी। तो आज मैंने सोचा कि इस विषय पे थोड़ा आपको डिटेल में नॉलेज दिया जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हो हेयर फॉल के लिए क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी किन किन कारणों से आपके बाल झड़ सकते हैं? तो हम कुछ कारण जो मुझे लगते हैं यहां पे मैंने समराइज किया हुआ है। वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ पे हम लोग बात करेंगे। एनीमिया, खून की कमी। अगर पेशेंट एनीमिक है तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है उसके बाल झड़ने के लिए। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत, पेट साफ नहीं हो रहा है, अगेन ये बहुत बड़ा कारण माना गया है। डैंड्रफ, स्किन एलर्जी, तो देखा ही होगा कई लोगों को डैंड्रफ के कारण, राइट? डैंड्रफ कब होती है? जब उनकी स्किन यहां की बहुत रफ होती है, इंफेक्टेड होती है, या फिर कोई स्किन एलर्जी, मान लेते हैं सोरियासिस, राइट? आपने देखा होगा कई लोगों को सर में सोरियासिस के कारण बाल झड़ना शुरू होते हैं। थायराइड, आज की तारीख में हाइपोथायराइडिज्म में हेयर फॉल होना बहुत बहुत आम होता है। हेयर कलर, आज की तारीख में ग्रोइंग मार्केट हेयर कलर। आज की तारीख में हर ब्यूटी कॉन्शियस बंदा, हर हेल्थ कॉन्शियस बंदा अपने बालों को रंग रहा है ना। हेयर कलर डाई वाला मार्केट बहुत बड़ा, तो फ्रीक्वेंट हेयर डाइंग या फ्रीक्वेंट हेयर कलरिंग अगेन लीड्स टू हेयर फॉल। हेयर स्ट्रेटनिंग महिलाओं में, जितने भी हम महानगरों की बात करें, जितने भी महानगर, ये चलन बहुत ज्यादा हो गया है हेयर स्ट्रेटनिंग का। आयनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग आयनिंग, ये बहुत मुख्य कारण पाया गया महिलाओं में अच्छी तरीके में। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ शैम्पू, हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख देख के, जब जब टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है हम अपने शैम्पूज बदल लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एक आता है केराटिन बेस्ड शैम्पू। मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोग जो भी शैम्पू यूज कर रहे हो आपके घरों में, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड ही क्यों ना हो, अपना शैम्पू चेक करिए, क्या उसमें केराटिन की मात्रा पर्याप्त है या सिर्फ केराटिन का नाम यूज किया जा रहा है। आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज के दौर में जितने भी शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड्स की भी अगर मैं बात करूं, तो उनमें सर्फेक्टेंट बेस्ड शैम्पूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा केमिकल का जमावड़ा उसके अंदर बहुत होता है, केमिकल से बने हुए शैम्पूज रहते हैं। आप लोग जरूर उसको चेक कर ले, राइट? केराटिन बेस्ड शैम्पू होना अनिवार्य है, लेकिन क्या वाकई में वो उसके अंदर आपका प्रमोशन या प्रमाण अगर है, क्या वाकई में वो केराटिन बेस्ड शैम्पू है, निर्णय आपको करना है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कई लोगों है जो डाइटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर खाना टाइम टू टाइम नहीं खा रहे हैं, हो सकता है वो कामों में अपने इतने व्यस्त है, समय समय पर खाना नहीं खा पाते हैं। समय पर खाना ना खाने के कारण जब भी उनको भूख लगती है तो वेफर, चिप्स, वड़ा पाव, समोसा पाव, छोला भटूरा या ऐसे ही कई सारे जो न्यूट्रिशियस नहीं है चीजें वो खाते हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर उनके विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा कारण, यानी कि हेयर फॉल में भी सबसे बड़ा कारण अगर कोई है वो है स्ट्रेस, तनाव। मेरा सवाल आप लोगों से, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको तनाव नहीं होता है? स्ट्रेस हार्मोनल महिलाओं में नंबर वन कारण बाल झड़ने का, हार्मोनल चेंजेस, पीरियड्स या तो 10 दिन पहले आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, या खुल के पीरियड नहीं हो पाते हैं, तो अगेन हार्मोनल चेंजेस एक बहुत बड़ा कारण माना गया है हेयर फॉल की तरफ। लैक ऑफ स्लीप, शहरीकरण के कारण या कामों में इतना ज्यादा उलझे रहने के कारण प्रॉपर नींद नहीं आ रही, इनसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं मिलने के कारण अगेन हेयर फॉल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ कारण बताए हैं, और भी मैंने लिखा है मेनी मोर, बहुत सारे कारण है। जैसे कोई व्यक्ति चेन स्मोकर है,
कोई व्यक्ति शराब बहुत पीता है, अनहाइजीनिक फूड खाता है, पानी प्रॉपर नहीं पी पाता है, तो ये ऐसे अनेकों कारण है। ये तो हमने कारण देखे। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि आज तक आप लोग जो भी इलाज कर रहे थे क्या वो सही था? क्या आपको लगता है कि यदि एक महिला का अगर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बाल झड़ रहे थे तो क्या आपका हेयर ऑयल और शैम्पू काम कर जाएगा? जवाब है नहीं। क्या अगर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है, जबरदस्त स्ट्रेस में है, क्या आपका हेयर ऑयल और शैम्पू काम करेगा? जवाब है नहीं। अगर कोई व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो रहा है जिसके कारण उसके बाल झड़ रहे, तो क्या आपका हेयर ऑयल और शैम्पू उसको फायदा करेगा? नामुमकिन। अगर एक व्यक्ति खून की कमी से गुजर रहा है, हेयर ऑयल और शैम्पू क्या कारगर साबित होगा? नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद जब भी हेयर फॉल की समस्या का निवारण करने आप लोग मार्केट में जाते हो हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट लेकर, तो इन कारणों को जरूर अपने बैक ऑफ द माइंड रखेगा। उस पेशेंट से केस टेकिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने प्रॉब्लम्स देखे। हम देखते हैं हमारे आईएमसी में बाल झड़ने के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे पास। सबसे पहले है, जैसे मैंने कहा, कारण स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस एवे टैबलेट कंपलसरी है, हर व्यक्ति को देना ही देना है। एक गोली दिन में दो बार, डेली डाइट 1 टैबलेट रात को सोते समय, व्हीट गोल्ड, क्योंकि हमने देखा था शायद खून की कमी, तो व्हीट गोल्ड एक सुपर फूड है, एक गोली सुबह एक गोली रात। एलोवेरा, स्किन की अगर कोई भी, चाहे ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, अंदर उनके पेट में कचरा हो, कॉन्स्टिपेशन की बात हो या न्यूट्रिशन की बात हो, कंप्लीट फूड एलोवेरा 50 ml रात को सोते समय लेना है, 50 ml विथ 30 ml ऑफ वॉटर, इसको आप पिलाए रात को सोते समय लीजिए। हमारा हर्बल हेयर ऑयल मिनिमम, महिलाएं जो है मिनिमम हफ्ते में दो बार इसको अवश्य यूज करें। आलमंड हेयर ऑयल, विटामिन ई बेस्ड आलमंड हेयर ऑयल, अगेन वन ऑफ द फैबुलस प्रोडक्ट्स ऑफ आईएमसी। हेयर क्लेंजर शैम्पू, दोस्तों ये हमारा लेटेस्ट लॉन्च है हेयर क्लेंजर शैम्पू। मेरी पर्सनल टेस्टिमनी, पेशेंट लोगों की टेस्टिमनी, आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर द हेयर क्लेंजर शैम्पू। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तुलसी दो दो बूंद दिन में 4 बार आपको लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर महिलाओं को उनके पीरियड्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्यारी सहेली टैबलेट एंड सिरप। टैबलेट अगर महिला 15+ है तो प्यारी सहेली टैबलेट देना है, एक गोली सुबह एक गोली रात को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके कुछ काम का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने टीमों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मैं आप तक पहुंचता रहूं और आपके बिजनेस बढ़ाने में कुछ भूमिका मेरी अदा कर सकूं। तो थैंक यू प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड आईएमसी।